दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। एक गाना हिंदी में पेश कर रहा हूं दोस्तों, उसके बाद मराठी में सुनाऊंगा, पहले हिंदी में सुनाऊंगा। गाना थोड़ा अनोखा है, आप लोगों को मालूम होगा, इसके पहले मैंने आए मेरे वतन के लोगों गाया था, वो भी सुपर हिट रहा। ऐसी तर्ज़े ढूंढने का मुझे शौक है जो दूसरा गाने वाला न गाए, मेरे गाने के बाद भले किसी ने गाया हो। कि जहां डाल डाल पर सोने की, ये मोहम्मद रफी ने गाया है। अरसा हो गया इस गाने को, शायर का नाम तो मुझे याद नहीं, मगर मोहम्मद रफी साहब ने गाया कि जहां डाल डाल पर सोने की, अरे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मोहम्मद रफी साहब ने गाया कि डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा। अब वो शायर को ही मालूम जिसने ये गाना लिखा, उसी को मालूम उसने किसके पेड़ पर सोने की चिड़िया देखी, ये उसी शायर को मालूम, मुझे तो नहीं मालूम, मुझे तो आज तक दिखाई नहीं दी। आप लोगों को दिखाई दी क्या? अरे हाँ नहीं कुछ बोलो। ये बात वो शायर ने लिखा कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा। मेरे साथियों, मेरी माताओं बहनों, अरे हम भी इसी देश के नागरिक हैं। हमने तो नहीं देखी सोने की चिड़िया, हम गरीबों के, हम बदनसीबों के नसीब में, अरे सोने की चिड़िया तो बहुत दूर की बात है। वो सोने की चिड़िया बैठने वाली डाली की छाया भी हमारे नसीब में नहीं आई। सोने की चिड़िया की बात करता है वो शायर, मगर हम भी ऐसे देश के नागरिक हैं, इसी भारतवर्ष के नागरिक हैं, जहां जौखेड़ जैसा प्रकरण होता है, खैरलांजी जैसा प्रकरण होता है, अरे हमारी मां बहनों की आबरू लूटी जाती है, हम गरीबों के झोपड़े जलाए जाते हैं, हम भी इसी देश के नागरिक है। वो सोने की चिड़िया उस शायर ने देखा, मगर इस गाने का शायर प्रकाशनाथ पाटनकर कहता है कि हम इस भारतवर्ष के नागरिक हैं, ऐसे देश के कि जहां जात पात और ऊंच नीच का, अरे जहां जात पात और ऊंच नीच का हरदम रहता बखेड़ा,
फिर भी है देश ये मेरा। इतना अत्याचार और इतना जुल्म होने के बावजूद भी मैं इस देश को फिर भी है देश मेरा ये कह के पुकार रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रभक्त थे और राष्ट्र के हित में बाबा साहब ने संविधान लिखा। इस वास्ते मुझे इस देश को अपनाना होगा। ऐसे देश को अपनाना होगा कैसे, जहां जात पात और ऊंच नीच का हर दम रहता बखेड़ा। जहां जात पात ऊंच नीच का हर दम रहता बखेड़ा। फिर भी है देश मेरा। मेहरबानी, मेरा एक एक अक्षर ध्यान लगाकर सुनना मेरे दोस्तों, माता बहनों। ये देश, ये भारत जिसमें हिंदुस्तान शब्द बाबा साहब ने संविधान में इस्तेमाल नहीं किया, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखते वक्त हिंदुस्तान इस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया। इस देश को बाबा साहब ने भारतवर्ष का नाम दिया, भारत का नाम दिया। सौभाग्यवती, वैशाली, अजाब रामून, सरपंच भोतरा रेलवे या माउली ना 500 रुपये देऊन माझ्या गाण्याला पुरस्कृत केलं। पार्टी आभारी आहे। इस देश को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कभी हिंदुस्तान नहीं कहा, हिंदुस्तान आरएसएस वाले कहते हैं, राष्ट्रीय सेवा संघ वाले हिंदुस्तान कहते हैं, लेकिन मेरे बाबा साहब ने संविधान में भारत ये नाम दिया है क्योंकि इस देश में सभी जाति पंथ के लोग रहते हैं। आप लोगों को मालूम होगा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वालों, ध्यान से सुनना, नाम मैं जरा बाद में लूंगा। हम ऐसे देश के नागरिक हैं। यह वर्णवाद, वर्णवाद जो मनु ने चार वर्ण हमें दिखाए हैं, चार वर्ण, यह वर्णवाद और सनातनों का पाप लगा है पनपने। यह पाप लगा है पनपने। यही वर्णवादी लोग, यही मनुवादी प्रवृत्ति के लोग, खैरलांजी, जौखेड़ ऐसे प्रकरण होते हैं। हम बहुजनों के अधिकार छीनने की बात करते हैं। यह वर्णवाद और सनातनों का पाप लगा है पनपने। यह पाप लगा है पनपने। यह पाप लगा है पनपने। यह पाप लगा है पनपने।
देश में वर्णवादियों का पाप पनपने लगा, ऐसे देश में वर्णवादियों का पाप पनपने लगा जिस देश में जहां समता शांति मत भाव और न्याय दिया गौतम ने, हमें न्याय दिया गौतम ने, हमें न्याय दिया गौतम ने, हमें न्याय दिया गौतम ने। इसी भारत देश में वर्णवादियों का तांडव मचा हुआ था, ऐसे वक्त यहां समता शांति मत भाव और जहां महाकर्म तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने हमें न्याय दिया, इंसान बनाया, उसी देश में यहां पग पग हम पोते करता ने, यहां पग पग हम पोते करता ने, छूत अछूत ने घेरा, फिर भी है देश मेरा, 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 फिर भी है देश मेरा। यहां वर्णवाद, यहां वर्णवाद और सनातनों का पाप लगा है फलपने, यहां पाप पोते करता ने, यहां पग पग हम पोते करता ने, छूत अछूत ने घेरा, फिर भी है देश मेरा, 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 फिर भी है देश मेरा। भारती हम, भारती हम, भारती हम, इस चांदी कोपरा गांव में और आजू बाजू के परिसर में काश्तकार भाई लोग ज्यादा रहते हैं, ज्यादा क्या सारे के सारे ही काश्तकार हैं और किसान हैं। तो किसान भाइयों, मेरे बोलों की तरफ पूरा ध्यान रखना, बहुत मेहनत से लिखा इस गाने को मैंने। थामरे बाबा, कारण माझे गाने खड़ी गंमत सारखे नसतात, माझ्या गाण्यात प्रबोधन असते। किसान भाइयों, काश्तकार भाइयों, इस देश में, इस भारत के दूसरे प्रधानमंत्री आए थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने किसानों के दर्द को जाना, किसानों के दुख को जाना। ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को मिले थे जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, और उस लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों के हित में और जवानों के हित में एक नारा लगाया था, जिसे सारे भारत के नागरिकों ने लाल बहादुर शास्त्री के कंधे से कंधा लगाकर नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। तब जय जवान और जय किसान का नारा लगाया, मगर आज इसी भारत का किसान, इसी भारत का काश्तकार भूखा मरता है, आत्महत्या करता है, सूली पर चढ़ता है, कर्ज बाजारी होकर मरता है। इसलिए मैंने इस अंतरे को लिखा है, दोस्तों मेरी बोलों पर ध्यान रखना। दिया जय जवान, दिया जय, दिया करूं से, दिया करूं से हम किसान का नारा, दिया जय किसान का नारा, दिया जय
माताओं बहनों नौजवान दोस्तों, क्या नाजों के साथ बड़े गर्व के साथ हमने नारा लगाया। इसके बाद भी आज मेरा किसान भूखा मरता है, कर्ज बाजारी होता है, क्यों क्यों? या गर्व से हम जय जवान और जय किसान का नारा दिया, जय किसान का नारा दिया, जय किसान का नारा। और इसके बावजूद आज भारत का किसान भूख के मारे कर्ज के मारे, वो भूख के मारे कर्ज के मारे मरता किसान बेचारा, यहाँ मरता किसान बेचारा, यहाँ मरता किसान बेचारा। समझो देना मेरी तरह, किसान बेचारा क्यों भूख के मारे कर्ज के मारे मरता किसान बेचारा क्यों मरता है? क्योंकि इस भारत में यहाँ टाटा बिरला अंबानी ने, यहाँ टाटा बिरला अंबानी ने अपना जमाया डेरा, फिर भी है देसी मेरा, 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 फिर भी है देसी वास्ते मरता है कि सरकार उसकी मेहनत का फल उसका मुआवजा बराबर देता नहीं। अनेक किसान धरती का सीना चीर के अनाज उगाता है, ये काश्तकार धरती का सीना चीर के अनाज उगाता है, मगर उसकी कीमत तय करती है सत्ता में बैठने वाले चोर। किसान धरती का सीना चीर के अनाज उगाता है, मगर उस अनाज की कीमत ठहराता है सत्ता में बैठा चोर। और टाटा बिरला अंबानी जैसे को आरक्षण देकर नवाजते हैं, यहाँ टाटा बिरला अंबानी ने, यहाँ टाटा बिरला अंबानी ने अपना जमाया डेरा, फिर भी है देसी मेरा, फिर भी है देसी मेरा, फिर भी है देसी मेरा। साथियों, एक गरीब आदमी कर्जा लेकर अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता, गरीब आदमी किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाता, मगर आज शैक्षणिक हालत कैसी है आप लोग जानते हैं। गरीब आदमी कर्जा लेकर बच्चों को पढ़ाता, लेकिन उसका फल उस बच्चे को नहीं मिलता। डिग्रियां लेता है फिर भी ठेला चलाकर सब्जियां बेचता है, ये इस देश की हालत है। यहाँ पढ़े लिखों को पढ़ने कर भी रोजगार नहीं मिलता, यहाँ रोजगार नहीं मिलता, यहाँ रोजगार नहीं मिलता, यहाँ पढ़े लिखों को पढ़ने कर भी रोजगार नहीं मिलता, यहाँ रोजगार नहीं मिलता, यहाँ रोजगार नहीं मिलता। यहाँ को भी यहाँ को भी ओबीसी के आरक्षण पर है बवाल ये उठता, यहाँ है बवाल ये उठता, यहाँ है बवाल ये उठता। यह हालत क्यों है जबकि 52% आरक्षण मेरे बाबा साहब ने ओबीसी को दिया है, इसके बावजूद वो बेरोजगार होके घूमता है, क्यों क्यों? ये 15% लोगों ने
ये पंद्रह प्रतिशत लोगों ने छीना दलितों का सवेरा, फिर भी है देश मेरा, फिर भी